वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा ड्रिंक बना रहे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसे पीने से आपकी हड्डियां तो मजबूत बनेंगी ही, साथ में ही आपकी आंखों की रोशनी भी तेज़ होगी। पेट अगर आपका ख़राब रहता है, आपको कब्ज़ बनती है या फिर एसिडिटी आपके पेट में होती है, तो वो भी बिल्कुल ठीक होगी। और इससे आपकी ब्रेन पावर भी मजबूत होगी, दिमाग भी तेज़ होगा। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे खजूर है, मिश्री है, अखरोट है, सौंफ है और तिल है। इन सब चीज़ों के फ़ायदे मैं आपको बताती जाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर हम खजूर की बात करते हैं तो खजूर हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। खजूर खाने से हमारे अंदर खून की कमी दूर होती है और इससे हमें हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होती। अगर किसी को दिल की प्रॉब्लम है तो भी उसको खजूर को खाना चाहिए। तो चलिए देख लीजिए, अभी आप सौंफ में ले रही हूँ तो सौंफ के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। सौंफ से पेट साफ होता है, कब्ज़ अगर किसी को बनती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, गैस भी नहीं बनती अगर कोई सौंफ खाता है। और साथ में ही अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप अपने डेली के रूटीन में सौंफ को शामिल करें। यहाँ मैंने तिल लिए हैं, तिल के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। तिल का फ़ायदा ये होता है कि तिल से कैल्शियम मिलता है और कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। मिश्री मैंने यहाँ ली है, मिश्री को भी फ्रेंड्स आप अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप चीनी की चाय ना पीकर मिश्री की चाय पिएं, ठीक है। अपनी मीठी चीज़ों में आप मिश्री का यूज़ करें तो आप की जो बॉडी है एकदम फिट हो जाएगी। और मैंने यहाँ पर अखरोट लिए हैं। अखरोट जो होते हैं वो हमारी ब्रेन की जो पावर होती है, ब्रेन जो होता है दिमाग को मजबूत बनाते हैं अखरोट, ठीक है। तो चलिए अब हमें कैसे बनाना है ये देख लीजिए। सबसे पहले मैं खजूर जो होती है उसके अंदर के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको अलग कर लूँगी। मैंने यहाँ चार खजूर लिए हैं क्योंकि मैं यहाँ पर तीन ग्लास जो है, छोटे छोटे ग्लासेस हैं यहाँ पर, मैंने वीडियो में लिए हैं उनको दिखा रही हूँ। वैसे तो दो ग्लास के लिए ये जो मैं रेमेडी तैयार कर रही हूँ दो ही ग्लास के लिए है। तो यहाँ पर मैंने कितनी खजूर ली है, चार खजूर ली है दो ग्लासेस के लिए। अब हम इनके बीज अलग कर लेंगे। सौंफ लेंगे हम यहाँ पर, सौंफ देख लीजिए हम कितनी ले रहे हैं, या हमने दो चम्मच सौंफ के लिए हैं। सौंफ के फायदे मैंने आपको बताए हैं फ्रेंड्स, हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी सौंफ बहुत कारगर होती है, बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है हमारी आंखों के लिए सौंफ भी, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर मिश्री। मिश्री का मैं सिर्फ एक चम्मच लूँगी, ठीक है। मिश्री के भी बहुत फ़ायदे होते हैं, मिश्री से भी आँखों की जो है रोशनी बढ़ जाती है। तिल लिए मैंने यहाँ पर, तिल के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हड्डियाँ मजबूत बनती है, हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। तिल खाने से खून की कमी भी दूर हो जाती है, अगर किसी को एनीमिया है वो दूर हो जाता है। तो यहाँ भी मैंने दो चम्मच तिल के ले रही हूँ। और यहाँ मैंने अखरोट लिया है। अखरोट के फ़ायदे भी मैंने आपको बताए हैं, ब्रेन पावर मजबूत होती है, हड्डियाँ मजबूत बनती हैं, स्ट्रांग होती है, ठीक है। अखरोट के भी काफ़ी फायदे होते हैं। तो यहाँ मैंने अखरोट को लिया है। अखरोट में कितना ले रही हूँ देख लीजिए, यहाँ मैंने तीन चम्मच के लगभग अखरोट था वो सारा ले लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, उसको हम अपने गैस पर रख देंगे। गैस ऑन कर दी है मैंने। अब हम इसमें ये सारी चीज़ें जो भी मैंने लिए हुए हैं उनको इसके अंदर डाल देंगे। सब चीज़ों को मैं इस बर्तन के अंदर डाल दूंगी। अब हम इस बर्तन में दो ग्लासेस दूध डालेंगे क्योंकि हम दो ही ग्लास बना रहे हैं, तो दो ग्लास यहाँ दूध डालेंगे हम। वीडियो में मैंने तीन ग्लासेस दिखाए हैं क्योंकि वो छोटे छोटे से कांच के तीन ग्लास हैं। वैसे तो ये दो ग्लास बनाने जितनी ही चीज़ें मैंने ली हैं, ठीक है। दो ग्लास यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं दूध के। अब हम इनको कम से कम 8 से 10 मिनट तक अच्छे से बॉइल्ड करेंगे, ठीक है। 10 मिनट तक हम बॉइल्ड करेंगे। अब हम बर्तन को अच्छे से ढक देंगे और बीच में इसे हम चेक करते रहेंगे कहीं हमारी जो ये जो रेमेडी हम तैयार करें, जो ड्रिंक हम तैयार कर रहे हैं वो उबल कर निकल ना जाए। इसे हम 8 से 10 मिनट तक अच्छे से बॉइल्ड कर रहे हैं, उबाल रहे हैं। उबाल इसलिए रहे हैं ताकि जितनी भी ताकत है इन सारी चीज़ों की जो भी हमने इसमें डाली है वो सब इन दूध के अंदर घुल कर आ जाए, ठीक है।
तो अब हमने बीच बीच में हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, ठीक है, ताकि ये बॉयल्ड होकर उबल कर बाहर ना भागे। फ्लेम को हमने तेज़ कर दिया है, गैस की फ्लेम हम तेज़ कर देंगे और बीच बीच में इसे हल्का हल्का सा चलाते रहेंगे, ठीक है। जब 8 से 10 मिनट हो जाते हैं तो अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब फ्रेंड्स, अगर ये ठंडा हो जाता है तो हम इसको एक मिक्सी के जार में डालते हैं और उसको पीस लेते हैं। तो लीजिए, अब ये पीस चुका है और ये हमारी ड्रिंक जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने 3 ग्लासेस लिए हैं, उसमें मैं इनको डाल लूँगी और हम इनको पियेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप अपने बच्चों को दीजिए, आप पीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसे आप सिर्फ 1 वीक करके देख लीजिए, 1 हफ्ता आप इसे पी कर देख लीजिए, फिर देखिएगा कि कितनी आपको अपनी बॉडी में बदलाव दिखाई देंगे, कितने अच्छे रिजल्ट आपको इसके दिखाई देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन।